आज एक नया इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज का जो इन्फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा और कौन कौन सा प्रोडक्ट देने से ये बीमारी ठीक होता है, जो आज के हमारा टॉपिक है। ये बीमारी कौन सा प्रोडक्ट देने से ठीक होगा इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों का काफी कमेंट आया था इस बीमारी के ऊपर जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आपकी हेल्प के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन कौन सा प्रोडक्ट देने से बीमारी ठीक हो सकता है। AWPL के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कॉम्बिनेशन के तौर पर हम दे सकते हैं इस बीमारी में। सबसे पहले जो फेलेरिया या हाथी पाव का रोग है, इसके बारे में आप सबको मालूम है ऑलरेडी। आप सबको बखूबी मालूम होता है जो एक पाव बड़ा हो जाता है, जिसको हाथी वो बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। इसी के ऊपर आज इस वीडियो के मैं बात करने वाला हूँ हम लोग, कि ये जो फेलेरिया है ये होता क्यों है और इसकी वजह क्या है, इसकी क्या परहेज है, अगर खाना पीना अगर आपको खाना है तो किस तरीके से परहेज कर सकते हैं, साथ में AWPL का कौन सा प्रोडक्ट देने से आपको हेल्प होगा ये बीमारी ठीक होने में। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एक प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी एक पाँव में या किसी जगह पे, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं। अमून आपने देखा होगा कहीं भी रास्ते पे जाते समय या कहीं नहीं आसपास आपके, तो इस तरीके का कुछ हो जाता है। ये होता क्यों है सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। जो फेलेरिया आम भाषा में जिसको हाथी पाव हम बोलते हैं, ये होता क्यों है। आयुर्वेद में फेलेरिया को स्लीपर कहा जाता है और इसका एक ऐसा रोग के रूप में वर्णन किया गया है जो उत्तकों में परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। जो परजीवी होता है उसकी संक्रमण के कारण ये रोग होता है। ये बीमारी आमतौर पर पानी या स्थिर जल निकाय वाले स्थानों पर ज्यादा होता है। परजीवी जो है त्वचा में अपने आप या मच्छर के काटने से घुस सकता है। ये तकरीबन मच्छर के काटने से ही होता है बीमारी, आप सबको मालूम है। और फेलेरिया के शुरुआती लक्षण में आपको सिरदर्द होना, थान लगना, बुखार और त्वचा पर घाव जैसे लक्षण सामने आते हैं। इस रोग को शुरुआती में कभी कभी किसी व्यक्ति पर कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को हो सकता है इसका लक्षण देखने को ना भी मिले, लेकिन इसका तकरीबन लक्षण ये है। इसके साथ साथ फेलेरिया संक्रमण की बीमारी हाथी पाँव के रूप ले सकती है, जिसमें बाहरी जननांग हाथ या पाँव या शरीर के किसी भी अंग का आकार बढ़ने लगता है। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से पाँव का आकार बढ़ जाता है उसी को हम हाथी पाँव बोलते हैं। और ये रोग एक या दो नेमाटोस के कारण हो सकता है एवं इसे बुसेरिया बैंक्रप्टी और बुगेरिया मलाई के नाम से जाना जाता है। अगर फेलेरिया का समय पर इलाज ना किया गया तो इस रोग को बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। पैरों में सूजन जिसको हाथी पाँव, बाहरी जननांग या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन और लसिका के प्रभाव में रुकावट उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में फेलेरिया के इलाज के लिए विभिन्न परजीवी रोधी कृमि रोधी जड़ी बूटियां का उल्लेख है, जहाँ पे हमको उल्लेख मिलता है आयुर्वेद के अनुसार। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास गिलोय है, इसके बाद कुतस, साथ में बिदंग है, मंजिस्ता है इसमें, और हरितकी और आमला। इस तरीके का जो इंग्रेडिएंट है या आयुर्वेद का जो जड़ी बूटी है वो हमें ये हाथी पाँव का जो रोग है इसको रोकने में मदद करता है। अभी हम इसका देख लेते सबसे पहले कि फेलेरिया होने पे आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लहसुन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए फेलेरिया होने से। इसके बाद अपने भोजन में अनाज जैसे जौ, चावल का पुराना प्रकार साली और दाल जैसे कि कुलथी एवं मुद्रा जिसको मूंग दाल हम कहते हैं शामिल कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा फेलेरिया के इलाज में सब्जियां जैसे कि बैंगन, करेला, मूली, परवल और पालक लाभकारी होता है। इसके अलावा कड़वे और तीखे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि आपको मालूम है कड़वा जो होता है वो आपको कीटाणुनाशक होता है और तीखे जो होता है वो भी हमें मदद करता है। इसके साथ साथ फेलेरिया के ग्रस्त जो मरीज है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको पर्याप्त आराम करें, विशेषतर अगर आपको बुखार हो रहा तो आपको आराम करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको करना चाहिए जब आपको फेलेरिया हो जाता है। और अभी इसमें देखेंगे हमको करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करने में सबसे पहले आप कंद वाली सब्जियां जैसे आलू ना खाए, आलू इसमें इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दे या ना खाए। इसके साथ साथ दूध और दूध से बने उत्पाद, दही, गुड़, खाद्य पदार्थ या औषधि के साथ भारी रसक और बारीक पीसे हुए आटा युक्त गुण वाले खाद्य पदार्थ से आप दूर रहे। ये जो फेलेरिया के मरीज के लिए हानिकारक है, तो इस तरीके का आप आलू और दूध दही वाला प्रोडक्ट ना खाए तो आपको फेलेरिया में मदद मिलेगा ठीक होने में। अभी हमारे पास जो AWPL या एस्लिवियस वेलनेस के पास कौन सा प्रोडक्ट है हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस प्रॉब्लम, आपको मालूम है AWPL में ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो हम दो तीन प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन देने से कई सारा अजीबोगरीब बीमारी ठीक हुआ है। इससे पहले आपने अगर YouTube में देखा होगा कि कई सारा प्रोडक्ट का रिजल्ट या पैसे कई सारा प्रोडक्ट का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा YouTube में डाला हुआ। ये किसी एक जगह से नहीं है, अलग अलग जगह से, ऑल इंडिया से, अलग अलग कहीं भी जगह से आपको मिल जाएगा देखने को। क्योंकि AWPL का जो रिजल्ट है आप मैनिपुलेट करके एक जगह से कोई सोचता है कि बना के डाल दिया, ऐसा नहीं है, रियल रिजल्ट है। रियल लोगों से आपको बातचीत करने के लिए भी मौका मिल सकता है, अगर किसी को हुआ है तो उन्होंने नंबर भी दिया है, वो नंबर में आप कॉल करके पूछ सकते हो उनको क्या आपको ये बीमारी ठीक हुआ या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास
क्या है, गिलोय। आपको मालूम है आयुर्वेद ने जो बताया हाथी पाव को ठीक करने के लिए, उसमें सबसे पहला ही प्रोडक्ट हमारे पास है वो है गिलोय है। गिलोय आपको ज्वर नाशक होता है, आपको मालूम है सबसे बढ़िया ज्वर नाशक होता है, क्योंकि हाथी पाव होने से आपको ज्वर होता है, साथ में ये जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए गिलोय आपको काम करता है। इसके साथ हमारे पास त्रिफला है, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया कि हरी तकी और आमला आपको मदद करके हाथी पाव को रोकने के, तो त्रिफला हमारे पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें हरी तकी, आमला और बहरा का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ साथ हमारे पास और प्रोडक्ट है, जैसे कि वायरल डॉग, क्योंकि वायरल डॉग में भी आपने इस साइड में देखिए, आप राइट साइड में, इसमें गिलोय, पपैया, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, हरा, बहरा, आमला, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, जिंजर, मुलेठी, गार्लिक, ये सभी चीजें इसमें शामिल है, जो तकरीबन इसमें से 90% आपको हाथी पाव में काम आने वाला है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप वायरल डॉग भी इसमें इस्तेमाल कराए हाथी पाव में, ये बहुत बड़ा एक वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा। साथ साथ आप इम्यूनो डॉग इनको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, हर एक चीज इसमें डाला गया है। तो हमारे पास ये जो इम्यूनो डॉग, वायरल डॉग आपके सामने देखा है, त्रिफला और सबसे पहले गिलोय, इन चारों प्रोडक्ट के साथ साथ आप एक और प्रोडक्ट दे सकते हो, है पंच तुलसी। तुलसी भी आपको मालूम है खून को साफ करता है, या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आपको सही करता है। तो ये पांच प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं फेलेरिया के मरीजों को, इससे उनको हेल्प मिलेगा फेलेरिया को ठीक होने में, और काफी मदद मिलेगा उनको, हो सकता है वो ठीक ही हो जाए बिल्कुल रूप से। अगर आपको किसी को भी ये प्रोडक्ट देने के बाद रिजल्ट आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा आके कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट देने से इसका अच्छा रिजल्ट आया। और आप सभी प्रोडक्टों का आपको मालूम है मिनिमम 3 to 6 months का हमारा कोर्स है, मिनिमम 3 महीना तक अपने देना ही देना है, उसके बाद ही इसका रिजल्ट का आपको मालूम पड़ेगा। हो सकता है 1 महीने में भी आपको रिजल्ट आ जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन के तौर पे जब भी हम प्रोडक्ट देते हैं तो 3 महीने का मिनिमम कोर्स है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आने वाला दिन में आपको अगर कोई कॉम्बिनेशन का वीडियो और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में कमेंट करने से भी जरूरी है आप बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट या कॉम्बिनेशन का वीडियो। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए।